मुकदलाल पब्लिक स्कूल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया वार्षिक उत्सव। कार्यक्रम में संस्थान के चेयरमैन सेठ विजय कुमार ने बतौर मुख्य अतिथि की शिरकत। हर आयु के बच्चों ने अपने हुनर का बिखेरा जलवा। आज प्रत्येक बच्चे में प्रतिभा छिपी होती है, जिसको गुरुजन उभार कर व निखार कर बाहर निकालते हैं। इसी प्रकार का प्रतिभावन कार्यक्रम स्थानीय मुकुंदलाल पब्लिक स्कूल में देखने को मिला, जहां पर प्रत्येक बच्चे ने अपनी प्रतिभा के रंग बिखेरे। स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन कर सभी को दांतों तले उंगली चबाने पर मजबूर कर दिया। इस समारोह का उद्घाटन मुकुंदलाल शिक्षण संस्थान के चेयरमैन विनय कुमार ने किया। इस समारोह में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। इस समारोह में प्रतिभावान बच्चों को सम्मानित किया गया और बच्चों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई। इसके अतिरिक्त समारोह में भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए।
ये स्कूल 5 जनवरी 1998 से शुरू हुआ था, एडमिशंस 98 में हुई और अब 21वां फंक्शन हमने आज मनाया है। हमारे स्कूल का जो रूटीन वर्किंग है उसमें बहुत सारी को करिकुलर और करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। फंक्शन में जितने आइटम्स थे ये उन एक्टिविटीज़ का एक हिस्सा थे, डांस क्लब, म्यूज़िक क्लब, एनवायरनमेंट क्लब, इस तरीके से लिटरेचर क्लब, इन सब क्लब्स में बच्चे अपने रूटीन में तैयार करते हैं। हमने कोई आउटसाइड हेल्प नहीं ली, मेरे कमिटेड डेडिकेटेड टीचर्स का ही मेहनत है जो उन्होंने इतनी खूबसूरत 20 आइटम्स आपके सामने पेश की हैं। पिछले 16 साल से मेरे स्कूल के एकेडमिक्स में 100% रिजल्ट रहा है 10वीं और 12वीं में। इस बार 10वीं में 197 में से 44 बच्चे 90% से ऊपर लेके आए हैं और प्लस टू में मेरे जो स्कूल की टॉपर है वो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज करनाल में MBBS कर रही है। बहुत सारे बच्चे इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बाकी प्रोफेशनल कॉलेजेस में गए हैं। तो ये सब अचीवमेंट्स जो हैं टीचर्स की मेहनत है। एक बच्चे ने पोइट्री की बुक लिखी है, इम्प्लिसिट फीलिंग्स ऑफ अ टीनेजर। मेरे बच्चे ऑनलाइन टेस्ट में फर्स्ट आए हैं। हमारे स्कूल की टीचर हरियाणा में एक अकेले इकलौती उन्होंने आर्टिकल पेश किया ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ स्कूल स्टूडेंट्स जो CBSE की सहोदया मीटिंग हुई केरला में। वहाँ तो मेरे साथ स्टूडेंट्स और टीचर्स मिल के काम कर रहे हैं, दोनों की इकट्ठी मेहनत है जो स्कूल आगे बढ़ रहा है। वैल्यूज़ जो हमें हमारे बड़ों ने दी, महात्मा गांधी जी ने दी, ये सब बच्चों में भरना हमारा फ़र्ज है, सुसंस्कृत करना हमारा फ़र्ज है। तो इसी दिशा में ये हमारा एक कदम था कि एक ऐसा आइटम तैयार करें, जब वो खुद करेंगे, बोलेंगे, महसूस करेंगे तभी तो सीख पाएंगे, तो वो एक उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा। स्कूल के संस्थापक जिनके नाम पे स्कूल बना है, सेठ मुकुंद लाल जी, वो महात्मा गांधी जी के पक्के भगत थे और कहते हैं कि महात्मा गांधी जी उनको पगला भगत कहते थे क्योंकि वो पूरी पूरी रात स्टेशन पे उनका इंतज़ार करते थे मिलने के लिए। सिर्फ गाड़ी जो है कुछ देर के लिए गाज़ियाबाद रुकती थी तो वो उनको मिलने के लिए पूरी पूरी रात वहाँ खड़े रहते थे, इसलिए उनको वो पगला भगत बुलाते थे। और मुकुंद लाल जी ने एक कांग्रेस का अधिवेशन भी स्पॉन्सर किया था उस ज़माने में। तो उन्हीं जो थॉट्स हैं, आइडियाज़ हैं और आइडियल्स हैं महात्मा गांधी जी के, उन्होंने अपने बच्चों में डाले, अपने पोता पोतियों में डाले और वही हमें सिखाया जा रहा है, हम बच्चों को आगे डालने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी एक स्केटिंग भी बच्चों की एक स्पोर्ट एक्टिविटी है जो वो नर्सरी से करते आ रहे हैं। नर्सरी KG 1 और 2 में ये कंपल्सरी एक्टिविटी है, हर बच्चा स्केटिंग सीखता है, उनके लिए तो ये एक रूटीन एक्टिविटी थी। हमें लगा थोड़ा डेयर डेविल टाइप आइटम है, बच्चों ने तो अपने आराम से किया। पूरे फंक्शन में 1500 से ज़्यादा बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और एक आइटम में सबसे ज़्यादा बच्चे 140 थे और सबसे कम 20 बच्चे थे। माँ बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा एक्टिव हो, उसमें आत्मविश्वास हो, वो स्टेज पे आए, वो पब्लिक को फेस कर सके, उसके लिए हमें भी ये रहता है, कोशिश रहती है, मेरी भी ये कोशिश रहती है कि मेरा हर बच्चा सेल्फ कॉन्फिडेंट हो, वो स्टेज पे आए, इसलिए हम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन को मद्देनज़र रखते हुए आइटम्स तैयार करते हैं। मैं कल्चरल प्रोग्राम्स में तो नहीं, लेकिन डिबेट्स, डेक्लेमेशंस, नाटक में, मेरा स्कूल का नाटक 3 साल लगातार नेशनल लेवल पे फर्स्ट आता रहा है। साइंस प्ले हुआ करता है जो पहले डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नॉर्थ जोन और फिर नेशनल लेवल पे जाता है, तो हम नॉर्थ जोन में फर्स्ट आते रहे हैं और नेशनल में नाटक करते रहे हैं। ये हमें प्रेरित करता है, हमें मोटिवेट करता है कि हमें एक्टिव पार्टिसिपेशन करनी चाहिए हर पार्ट में। ज़रूरी नहीं है कि हम स्कूल सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट्स के लिए जाते हैं, हमें को करिकुलर एक्टिविटीज़ जब हम पार्ट लेते हैं इनमें, ये हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है और हमें अपॉर्चुनिटी देती है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें। तो आई थिंक कि एनुअल फंक्शन का मोटिव यही है। जब स्टेज पे चढ़ता है बच्चा तो जनरली उसको सबसे पहले तो नर्वसनेस होती है, बट वो हम ओवरकम कर लेते हैं जब म्यूज़िक सुनते हैं, क्योंकि हम इतने टाइम से प्रैक्टिस करते आते हैं इतने टाइम से, तो इसलिए मेरे को लगता है कि मतलब इतनी नर्वसनेस को ओवरकम करने के लिए इतना कॉन्फिडेंस बच्चों में होता है। तो
बाकी स्कूल्स में मतलब ज़्यादातर एकेडमिक उसको ज़्यादा प्रायोरिटीज़ दी जाती हैं, जबकि हमारे स्कूल में सभी को एकेडमिक के साथ साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी इक्वल इम्पॉर्टेंस दी जाती है। अनन्या, अनुशासन के बारे में, अगर हम स्कूल का अनुशासन पहले से और आज के उसमें देखें तो काफ़ी हद तक सुधार था। पहले स्कूल प्रॉपर्टी को डैमेज भी कर देते थे बच्चे, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस बार इंस्पीरियंस है कि इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिली है। सब ने अपना 100% दिया, सब ने अपनी मतलब दिलो जान से अपना बेस्ट दिया वहाँ पर। वो एक इंस्पायरिंग है, हमें उससे प्रेरणा मिलती है। छोटे छोटे बच्चों ने अपने तरीकों से उन्होंने हमें एक इंस्पिरेशन दी है कि हमें प्लांट्स को सेव करना चाहिए, एनिमल्स को सेव करना चाहिए, कि किस तरह से क्या माहौल है, कि किस तरह से एनिमल को मारा जा रहा है या प्लांट्स को काटा जा रहा है इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनाने के लिए। मेरा नाम ऋतु चौहान है। चिरमी एक्चुअली एक पेड़ का नाम होता है जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा फेमस होता है। एक्चुअली जब लड़कियाँ अपने भाई का इंतज़ार करती हैं तो वो चिरमी पेड़ के ऊपर चढ़ के उनकी राह देखती हैं। एक्चुअली ये भाई बहन के प्यार का मतलब प्रतीक टाइप होता है, इसलिए चिरमी पेड़ को काफ़ी माना जाता है। वो बात देखने वाली होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता एक जैसा हो। कहीं भाई बहन में बहुत प्यार होता है, कहीं नहीं भी होता है। वो बस भाई बहन की आपसी बात होती है। हमारी सारा श्रेय जो हमारी टीचर्स को जाता है, उन्होंने मतलब बहुत हमारे साथ मेहनत करी। मतलब एक महीने से हम लगे रहते हैं इस चीज़ को करने में, रोज़ रिहर्सल्स। टीचर्स बहुत मेहनत करती है हमारे लिए, स्पेशली प्रिंसिपल मैम ने ऐसा शेड्यूल तय किया है जिस वजह से हमें बहुत आसानी होती है करने में, पढ़ाई भी बिल्कुल नहीं छूटती है।